एक तोड़ गया, ये चेक करें, ज्यादा नहीं उड़ाएंगे इन्हें, ये कल भागने लगा था घर वाला जो बचा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज की रूटीन का आगाज करते हैं जी। मैं थोड़ा सा ज़रा लेट हो गया हूँ, इन दोनों को धूप में बंद करके गया था, और ये वाला देखें माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, जो बड़ा ला है, लेकिन छोटे वाले की जो हाइट है ना वो इस हिसाब से ज़्यादा नहीं हो रही। और ये चूज़े भी हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, तो इन्हें भी छोड़ेंगे मिट्टी में, लेकिन इससे पहले दूसरे चूज़ों को खोलते हैं। ये जो हमारे शेर है ना, इनको हमने काफ़ी दिन हो गया नहीं, तीन एक दिन हो गया नहीं खोला, इन्हें निकालते हैं, साथ इस बांदर को भी निकालते हैं, कालिया को। चल भाई, ये देखें जी, आज दो तीन दिन बाद खुले हैं, तो कितने खुश हो रहे हैं, दाना डालते हैं इन्हें थोड़ा सा। ये देखें किस तरह इकट्ठे हुए हैं सारे, ये मेरे हाथ को देखें मार है, इसे पता है मेरे पास दाना है। ये देखें माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी, तो ये देखें सब खा रहे हैं अभी, और ये मेरे पास यही जा रहा है। चूज़े भी काफ़ी एक्साइटेड हैं खुलने के लिए, इन्हें भी खोलते हैं, इनको भी नहीं खोला मैंने पहले, अभी मुर्गी जो है ना इन्हें मारेगी। चल साइड पे हो जा। ये देखें जी, और इनके लिए कुछ और भी पड़ा है मेरे पास, वो मैं नीचे से ले के आता हूँ इनके लिए। तो ये आ गया जी इनके लिए खाना, चेक करिएगा। चलो भाई, ये देखें, आ जाओ भाई सारे आ जाओ। मुर्गी को नहीं पता, मुर्गी की ये वाली आँख खराब है, इस वजह से उसने देखा नहीं है, अब जो जो देखी जा रहा है वही जा रहा है, खाई जा रहा है। ये देखें कालिया का भी दिल कर रहा है बाहर आने को, लेकिन उसे निकाल नहीं सकते, वो फिर मारता सारों को। अभी इसको किसी तरह डालते हैं। ये देखें जी, इसे भी डाल गया और खा रहा है इसने, जिस तरह इससे किसी ने खींच लेना है। एक चूज़ा मेरे ख्याल से अंदर है, बल्कि तीन चार अंदर है। ये देखें जी, सब इकट्ठे तो हो गए हैं, लेकिन ये मुर्गी मारती है सारों को, इस वजह से डर रहे हैं, आगे नहीं हो रहे। तो आप चलें, ये खाते रहेंगे, हम चलते हैं ज़रा ऊपर कबूतरों के पास। कबूतर जी असल में बाहर नहीं आ रहे थे, बिल्ली आती है छत पे, आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। ये देखें जी माशाल्लाह, अली भाई ने उड़ाए हैं तकरीबन, कितने कबूतर हैं बाहर, छः कबूतर हैं अली भाई के बाहर। ये देखें अभी बाहर निकले हैं ये सुबह से, एक बच्चा हमसे कल घूम गया, दो को भी उड़ाते हैं, दूसरा कहाँ है, वो अंदर है, एक तो ये है, दूसरा अंदर है। इनके लिए मैं रोटी लेके आई हूँ, तब इस तरह बाहर आ रहे हैं, वरना ये बाहर नहीं आ रहे थे बिल्ली की वजह से, तो इन्हें भी उड़ाते हैं। किधर है ये, आ जा बाहर आ जा। चलो जी, दोनों साथ ही हैं तो आसानी हो जाएगी थोड़ी। ये देखें असल में इनको अभी मैं पक्का कर रहा हूँ, कबूतर खुले में इसलिए नहीं उड़ा रहा हूँ, उड़ नहीं रहे दोनों। लें जी बाकी अंदर चले गए हैं, इनको अब छेड़ते हैं। एक तोड़ गया, ये चेक करें, ज़्यादा नहीं उड़ाएंगे इन्हें, ये कल भागने लगा था घर वाला जो बचा है, तो देखें तीसरी परवाज है इसकी, और अभी इसे सही मेरे ख्याल से उड़ना नहीं आता, वो देखें। आज अली भाई के भी कबूतर खुले हैं और मुझे लग रहा है ये भाग जाएगा, इसे उतारते हैं नीचे। ये देखें जी, ये बैठा हुआ बच्चा, मैं अली भाई के छत पे हूँ अभी चेक कराने, तो इसे छोड़ा, मैं कहा छत पे चला जाएगा, ये टैंकी में बैठ गया, इधर बैठेगा ये हमारी छत पे। अली भाई ने देखें, आज हमारे उस्ताद जी भी आए हैं, उस्ताद जी आए हैं आज हमारे टैंक से, इन्हीं को चेक कराने लाया हूँ मैं, इसने टैंकी देख ली है, अब ये जब मैं उड़ाया करूँगा अली भाई छत पे आ जाया करेंगे। अली भाई के ये खुद आएगा हमारे पास। कितने कबूतर हैं भाई, सात आठ।
आठ कबूतर अली भाई ने निकाले हुए बाहर माशाल्लाह। तो वो देखें ओ जाल दे आ गई ढाई सा ये नहीं उड़ना हूँ उड़ सी क्यों ना ये जी अली भाई उड़ान लगे हैं देखते हैं क्या करता है ये अब हमारे साथ बच्चा पागल करता है यार अपने भी बच्चे खोल रहे हैं ओए ओ वाला जो मैं कह रहा था ये बच्चा देखें जी अच्छा जी वो भी तक उधर ही बैठा हुआ बच्चा और अभी वापस जाने का उसका कोई मूड नहीं है तो ये आवाज़ आ रही है भाई तो देखते हैं जा के मैं कबूतर खोलता हूँ अगर आता है तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने छत पे अच्छा जी अली भाई बता रहे हैं उड़ाया बच्चा उस साइड पे गया वो तो नज़र तो नहीं आ रहा फ़िलहाल कबूतर मैंने खोले हुए हैं अगर आएगा तो पता चल जाएगा उड़ेगा तो उनके जो अपने नीचे उतर गए हैं दाना डाला तो और उधर नज़र नहीं आया मुझे उतरते हुए देखे हैं मैंने ये देखें ये मेल कितना अच्छा हो गया माशाल्लाह इस पेयर के बच्चों का इंतज़ार है मुझे लेकिन अभी जो है ना कुछ पेयर ब्रीड नहीं कर रहे इन्हें फीड वगैरह डालूँगा फिर ये थोड़े ठीक होंगे अच्छा जी दोबारा अली भाई के पास चला गया था बच्चा अभी उन्होंने उड़ाया तो वापस आ गया ये बैठा है माशाल्लाह सामने अभी आपको मैं दिखाता हूँ क्लोज से भी इस कबूतर के भी मैंने पर निकाले हैं ये देखें ये बैठा हुआ है अपने पार्टनर के साथ बैठा हुआ है जिसके साथ उड़ा था अब इन्हें जो है ना 3-4 दिन बंद रखूँगा फिर इसके बाद उड़ाऊँगा इन्हें 2-3 दिन से इसे मैं उड़ा रहा हूँ आज इसकी तीसरी परवास थी तो अब इन्हें थोड़ा रोक के उड़ाऊँगा और उसके साथ नहीं उड़ाऊँगा किसी और के साथ उड़ाऊँगा अब तो लें जी दोस्तों अभी टाइम था इनके दाने का तो दाना इन्हें डाल दिया और इनमें से 2 जोड़े जो है ना वो मैं नीचे ले गया हूँ वो ऊपर क्योंकि तरतीब बन नहीं रही थी जोड़ों की जगह कम थी तो 2 जोड़े मैं लेके गया हूँ नीचे अब ऊपर भी जो हैं परिंदे ये भी थोड़े ठीक हो जाएंगे खुले हो जाएंगे ये भी और जो नीचे हैं उनको तो वैसे ही खाना दे दिया तो उम्मीद है कि उनका पेयर लग जाएगा तो लें जी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट लाजमी करिएगा मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।